हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इंफोबेट चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बेयर, स्वागत कर रहा हूं दोस्तों। दोस्तों आज बात करने वाले हैं अदानी ग्रुप के बारे में। आज सारे के सारे स्टॉक्स को लगभग लोअर सर्किट हिट कर चुका था या ट्रेडिंग रोकी गई थी। दोनों सूरत में लॉस जो है वो कंपनी को भी हुआ और इन्वेस्टर्स को भी हुआ। टोटल मिला के लगभग आज 6 से 6.5 बिलियन डॉलर का लॉस जो है वो अदानी ग्रुप को हुआ है। सारे के सारे कंपनीज में आपको आज लोअर सर्किट लगभग देखने को मिला और इसके चलते काफ़ी सारे लोग कंसर्न में हैं कि आगे क्या होगा और क्यों, खास करके ये क्यों हुआ। काफ़ी सारी बातें निकल के आ रही है और ये सारी जो बातें हैं वो एक ही जगह पर पॉइंट कर रही है, वो है मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे की हेरा फेरी। और ये मामला है लगभग 50,000 करोड़ का। क्या है वो चीज़, क्या है वो बात, पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ दोस्तों। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। क्या डिटेल्स है, कहाँ से आई, कौन पैसे की हेराफेरी कर रहा है, क्या चल रहा है, पूरी बातें डिटेल में बताने वाला हूँ आज। कोई जल्दबाजी नहीं है, एक ही वीडियो रहेगा तो कोई जल्दबाजी नहीं होगी। अदानी ग्रुप को स्टार्ट हुए मेरे ख्याल से काफ़ी साल हो चुके हैं। वो बिज़नेस जो है वो डाइवर्सिफाई किए जा रहे हैं अपना। लास्ट सैटरडे को उन्होंने, फ्राइडे को मेरे ख्याल से उन्होंने अदानी सीमेंट करके भी कंपनी रजिस्टर्ड करा ली है और एक नए बिज़नेस में आ रहे हैं। इन सारे बिज़नेस में लेकर के इनका FPI जो है यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है और उसकी वजह से कंपनी को फंड मिलने के कारण कंपनी काफ़ी फटाफट ग्रो भी कर रही है, मनचाही चीज़ें कर पा रही है। और इसी के चलते आज इनके सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए क्योंकि जो पैसा आ रहा है वो पैसे का कोई प्रॉपरली हिसाब जो है वो NSDL नहीं लगा पा रहा था और इनमें कहीं ना कहीं इनको कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखाई दी, तो इनके सारे अकाउंट्स जो है वो फिलहाल फ्रीज कर दिए गए हैं। हालांकि कंपनी की तरफ से न्यूज़ है कि भाई हमारे अकाउंट कोई फ्रीज नहीं किए गए हैं और ये सब प्रॉपरली चल रहा है। अब क्या एग्जैक्टली बात है वो हम लोग न्यूज़ आर्टिकल्स में जाके पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। मैं हमेशा आपको ट्रस्टवर्दी नेटवर्क से ही न्यूज़ दिलाता हूँ ताकि आपका जो है वो भरोसा बना रहे इन्फोबेयर पे और आपको जो न्यूज़ दी जाए वो सही दी जाए। देखिए यहाँ पर अदानी ग्रुप की तरफ से कहना आया कि जो भी फॉरेन फंड को लेकर के न्यूज़ है या फिर जो भी हमारे अकाउंट फ्रोज किए वो न्यूज़ है वो गलत है, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ सही चल रहा है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके चलते लॉस जो है वो कंपनी को भी हुआ और इन्वेस्टर्स को भी हुआ। चाहे वो न्यूज़ गलत हो सही हो, इसका आउटपुट क्या आता है वो इम्पोर्टेंट है और वो लॉसेस में था दोनों साइड से भी। आप पढ़ोगे अगर NSDCL ने इनके 3 फॉरेन फंड को फ्रीज किया हुआ है। ये 3 कंपनीज है, अलबुला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड और APMS इन्वेस्टमेंट फंड। ये तीनों फंड मिला के अदानी ग्रुप की जो कंपनीज है, अलग अलग कंपनीज है, उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो दो तीन चीज़ें समझ में आती है आपको। आज 14th of January यानी आज सुबह जैसे ही मार्केट खुला ये न्यूज़ फैल गई कि इनके जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए जिनकी इन्वेस्टमेंट अदानी ग्रुप में है। ये टोटल मिला के 43,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है यानी वर्थ ऑफ शेयर्स अदानी एंटरप्राइज, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी टोटल गैस, ये 4 कंपनीज में मिला के इन्होंने लगभग 43,500 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब इनका NSDCL की तरफ से इनका अकाउंट फ्रीज करने का सबसे बड़ा कारण इनसफिशियंट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बेनिफिशियल ओनरशिप एज पर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये एक्ट के अंदर किसी भी कंपनी को अपनी ओनरशिप के लिए जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है या कंपनी की ओनरशिप के बदले जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो यहाँ पर इनसफिशियंट है यानी जितनी जानकारी चाहिए थी उससे काफ़ी कम है।
इसके जरिए ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं आप पैसे की हेराफेरी कर रहे हो, जो पीएमएलए के एक्ट के अंदर आती है। ठीक है, अब ये कंपनी है अलबुला इन्वेस्टमेंट, शायद मैं इसको शायद मे भी है, मैं गलत प्रोनाउंस भी कर दूं। इन्होंने कहा कि देखिए हमारा कोई फंड जो है वो ब्लॉक नहीं है, सब सही से चल रहा है, और ये सीएनबीसी टीवी 18 का रिपोर्ट है। अब ये न्यूज़ जब कल मार्केट खुलेगा तो कोई और न्यूज़ शायद हमें मिल सकती है। देखिए कैसे होता है, गवर्नमेंट अपनी न्यूज़ डाल दी एनएसडीसीएल ने, एनएसडीएल ने कि ये हो गया। अब कंपनी खुद कोशिश कर रही है इस चीज़ को कवर अप किया जाए, ताकि आज जो लोअर सर्किट हिट हुए हैं वो कल जाके वापस से ना हो। क्योंकि अगर कल वापस से अगर लोअर सर्किट लग गए तो आज लगभग, जैसे मैंने कहा, 6 बिलियन डॉलर का शायद लॉस था। ये देखिए 6 बिलियन डॉलर लॉस इन अ डे, तो ये कल जाकर और भी बढ़ सकता है, और ये डेफिनेटली कंपनी के लिए भी सही नहीं रहेगा, और ना ही उन फंड इन्वेस्टर्स के लिए और ना ही शेयर होल्डर्स के लिए। तो अभी क्या डिटेल है वो हमें बहुत ही जल्द पता चलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे इसमें और चीज़ें खुलेंगी, नए नए दिन आएंगे, तो डेफिनेटली हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जैसे ही आप कंफर्मेशन का ठप्पा लग जाता है मनी लॉन्ड्रिंग का, अब डेफिनेटली आपको बताएंगे। तब तक के लिए डेफिनेटली अगर आप अदानी के कोई भी स्टॉक में हो, स्टॉप लॉस लगा करके चलिएगा, क्योंकि आपके फंड हैं, आपके पैसे हैं, डेफिनेटली सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट है, तो बुक कर लीजिएगा। और जैसे ही वापस से सब ठीक हो जाता है, आपको वापस से एक बारी चांस मिलेगा, आप एंटर कर सकते हो और वापस से पैसे बना सकते हो। स्टॉक का नाम था अदानी ग्रुप, केस चल रहा था मनी लॉन्ड्रिंग का, और देख रहे थे आप इन्फोबेयर पे। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और टेलीग्राम के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में देकर के रखा हुआ है। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।